नमस्कार दोस्तों, कल मैंने आपसे कहा था कि यदि औकात है ब्रजभूषण शरण सिंह की तो आए हरियाणा में प्रचार करें। यदि उनकी औकात है और वो सचमुच अपने आप को कहते हैं कि वो राजपूत की छत्री की औलाद है तो उन्हें आके यहां प्रचार करना चाहिए और यहां बताना चाहिए, जहां से विनेश फोगाट लड़ रही हैं उस इलाके में बताना चाहिए कि नहीं, विनेश फोगाट गलत थी, वो सही है। यदि इतनी औकात है तो हरियाणा में निकले प्रचार पे, क्या भाजपा को जिताओ और विनेश फोगाट और विनेश फोगाट का समर्थन करने वाली, टिकट देने वाली कांग्रेस पार्टी को हराओ। मैंने यह चैलेंज दिया और मैंने कहा था यह हिम्मत नहीं है, वो हरियाणा नहीं आ सकते हैं, यह बात मैंने साफ कही थी। बहरहाल इसका असर यह होता है कि अब उनकी तरफ से तमाम सारे लोगों की मुझे कॉल आ रही, कई लोगों ने मुझे धमकाने की कोशिश की, कई लोगों ने मुझसे कहा है कि आपने जाति पर हमला किया। जाति पर नहीं किया, मैंने कहा है कि यदि ब्रजभूषण शरण सिंह सही में औलाद है राजपूत की, क्योंकि राजपूत बिरादरी तो ताकत का प्रतीक, राजाओं के पुत्र है और वो है जिन्होंने इस देश पर राज किया है, जिन्होंने इस देश को बचाया है। हमारे यहां राजपूतों को सम्मान दिया गया। यदि आप देखिए सेना में राजपूत ब्रिगेड है, रेजिमेंट, तो आप इससे समझ सकते हैं कि राजपूत सम्मान। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह राजपूत है या नहीं है इसका परिचय वो दे दे। वो यदि सच्चे हैं तो आए हरियाणा में, बताएं घर घर में कि नहीं, विनेश फोगाट गलत थी और यह सच्चाई। लेकिन वो नहीं बता पाए। उनको इस देश के तमाम मीडिया चैनल, जिन्हें गोदी मीडिया कहते हैं, तमाम अखबार जो गोदी अखबार कहलाते हैं, जो आज गुलाम होके बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के, वो ब्रजभूषण शरण सिंह के नॉन स्टॉप इंटरव्यू छापते हैं, चैनल पे दिखाते हैं और सब कुछ करते हैं, बगैर नरेंद्र मोदी की स्वीकृति के यह नहीं हो सकता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस देश के चैनल अखबार सब एक जगह से एक बाबू गवर्न करता है और वह बाबू बैठा हुआ है पीएमओ में, प्रसून जोशी, और वहां से वो पूरा खेल करता है। जो यह खेल करता है, उस बाबू ने यह खेल कराया था कि इस तरह से किया गया। और उसने जब ब्रजभूषण शरण सिंह के जरिए विनेश फोगाट पर हमला कराने का काम किया, उसके मेडल को जो कि जबरन छीना गया, जबरन उसे आयोग घोषित किया गया, उसको कहता है अच्छा हुआ मेडल नहीं, मेडल देश को आना था, सिर्फ विनेश को नहीं आना था, भारत की रैंकिंग बढ़नी थी। और ऐसा व्यक्ति, मैं कहूंगा ऐसा नीच प्रकृति का व्यक्ति, हमारे यहां भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष था, जो इस तरह से सोचता है लड़कियों के बारे में। मेरा दुश्मन भी यदि भारत के लिए मेडल लेके आएगा तो मैं कहूंगा आने दीजिए, मैं उसका उस चीज के लिए सम्मान करता हूं। दुश्मनी मेरी निजी हो सकती है लेकिन मेडल देश का। यदि आप राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, तो कहेंगे हाँ इसे। यदि कोई सैनिक आपका दुश्मन भी हो, उसका परिवार, और वो देश के लिए शहीद होता है, तो उसे सलाम करना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि वो देश के लिए करता है और देश के वो सपूत होते हैं, चाहे जो भी हो, चाहे जिस जाति से हो, चाहे जिस धर्म से। वीर अब्दुल हमीद हो, वो भी हमारे लिए उतने ही सम्मानीय है जितने हमारे लिए मनोज पांडे सम्मानीय, या जितने कैप्टन बत्रा हमारे लिए सम्मानीय। तो आप इससे समझ सकते हैं, कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी जाति का हो। मेजर शैतान सिंह को हम आज भी सलाम करते हैं,
मैं तो उनके परिवार को नहीं जानता, मैं नहीं जानता वो किस जात से है, किस धर्म से, लेकिन सम्मान इसलिए है कि उनकी सबसे बड़ी जाति वह है कि वो भारत के एक बहादुर सपूत थे और शहीद हुए, लेकिन उनकी पूरी ब्रिगेड शहीद हुई, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया और वह जमीन चीन को कब्जा नहीं करने दी, जिसको भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने पांव पकड़ के चीन को दे दिया। तो आप इससे समझ सकते हैं। बहरहाल यह देश की बात है, देश की बेटियों की बात है, और जब बेटियों की बात हो तो यह करना चाहिए। तो आज मुझे जब धमकी आती है, कुछ लोग ऐसे लोग धमकी देते हैं जो पत्रकारिता से भी जुड़े हुए, तो वो कहते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की आप दम पर वो उठा रहे हैं सवाल, इस पे ये कर रहे हैं, वो इतना मतलब उसके लिए वो दलाली का काम कर रहे हैं, धमकी देने का काम कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं किस तरह के लोग। तो यह स्थिति है। बहरहाल ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि ऐसे लोग ही इस देश की समस्या है। बहरहाल मैंने तो चुनौती दी थी, आज क्या स्थिति हुई? आज भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह को निर्देश जारी कर दिया कि अब वो विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पर कोई कमेंट ना करें, क्योंकि वो यदि ऐसे कमेंट करेंगे तो हरियाणा में हमारी बुरी गति होगी। समझ लीजिए आप, भारतीय जनता पार्टी डर गई, क्यों? हरियाणा में जो है वो भी चला जाएगा, इसलिए विनेश फोगाट और उन पर कोई टिप्पणी मत करो चुनाव तक, यह स्थिति। और जो ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि यह सब पूरा प्रायोजित था, या आरोप लगाते हैं हुड्डा परिवार पर, तो बता दूं हुड्डा परिवार कभी भी रेसलिंग उसका प्रत्याशी नहीं रहा, उसने कोई चुनाव नहीं लड़ा, वो उसमें नहीं था, तो इसलिए झूठे आरोप लगा। दूसरी चीज, विनेश फोगाट ने जो लड़ाई लड़ी अपने लिए नहीं लड़ी, विनेश फोगाट ने लड़ाई लड़ी उन दर्जनों लड़कियों के लिए जिनको ब्रजभूषण शरण सिंह ने शोषण का शिकार बनाया था। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात दिल्ली पुलिस ने अपनी पूरी तफ्तीश के बाद में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई, उस पूरी तफ्तीश के बाद जो 1500 पेज की चार्जशीट दाखिल की है उसमें बताया है, उसमें सबूत दिए हैं और उसमें बताया है कि कैसे क्या क्या अपराध किए। बहुत सारे अपराध के साक्ष्य इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि उसका कोई चश्मदीद नहीं था, इसलिए उन्हें साबित नहीं किया जा सकता था, मेडिकल नहीं हुआ था, वो चीजें छूट गई। लेकिन जो चीजें प्रूव हो सकती थी वो प्रूव होने के बाद में 354 और 506 जैसी तमाम धाराओं में चार्जशीट हुई, बहुत सारी धाराएं हट गई। क्यों? क्योंकि वो प्रूव नहीं की जा सकती। रेप होता है तो इतना अकेले में होता है और इतने पुरानी बात हो गई थी कि उसे प्रूव कर पाना मुश्किल होता है। इसी तरीके से तमाम चीज, कुछ नाबालिग लड़कियां थी जो पास्को एक्ट में आती थी, उनके परिवारों को धमका दिया गया और वो बैठ गए, जैसे मुझे कहा जा रहा है मेरी आवाज को दबाने, लेकिन मुझे सोचते हैं कि दबा लें तो हुजूर गोली मार देना, मैं दबने वाला नहीं, मैं मरने से नहीं डरता हूं, जो कहता हूं डंके की चोट पे कहता हूं। तो यह एक चीज है। बहरहाल यह तो हुई एक चीज जो ये सच्चाई। तो आज बैकफुट पे आ गई है भाजपा, बैकफुट पे आ गया है पूरा उनका संगठन, और हिम्मत नहीं पड़ रही है हरियाणा में आने। आइए, तो यह एक सत्य है। इसके बाद विनेश फोगाट तो इतनी दमदार थी, दम के साथ वो दिल्ली में जंतर मंतर से लेके संसद भवन के सामने तक
सब जगह प्रदर्शन करती है, घसीटी गई, लाठी भी खाई, सब कुछ हुआ, बावजूद इसके न वो डरी न सहमी। और उसके बाद तुम्हारे ही संजय सिंह से, जो रेसलिंग फेडरेशन का आपका जो है अध्यक्ष है, उसको उसी के उसमें डंके की चोट पे वो गई ओलंपिक में और ट्रायल दे के गई, सारे टेस्ट पास करके गई और जीत के उसने दिखाया सिल्वर मेडल, दुनिया की सबसे बड़ी नंबर वन रैंकिंग वाली खिलाड़ी को हराया। लेकिन जो साजिश हुई उसके कारण, यानी उसमें दम है, उसने दिखाया कि हाँ वो है, तो यह अंतर है दोनों। बहरहाल यह तो मैं जो बताया वो आज के हालात पे। अब आता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने क्या ऐसा कर दिया है जिस कारण से हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लोग उससे खफा हैं। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित बहुतायत में समर्थक माने जाते थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन आज वो भी उसके साथ नहीं खड़े, क्या वजह? और 2014 के चुनाव, जाट हो या दूसरे तमाम बिरादरियां, वो 36 बिरादरियां भाजपा के साथ खड़ी हुई, लेकिन आज छठे छठे वो उनसे बिल्कुल अलग हो गई। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ड्रामे कर रही है, तमाम निर्दलीय खड़े करा रही है और दूसरी चीजें कर रही है जिससे वोट काटे जा सके। तो यह खेल चल रहा है। इसी पर सबसे बड़ी बात, जो हालात हरियाणा में, शिक्षा को बर्बाद किया, वहां 5,000 से अधिक स्कूल बंद कर दिए, वहां के तमाम स्कूल जो चल रहे हैं, तमाम जगह टीचर्स नहीं है, टीचर्स की स्थिति खराब है, तो शिक्षक है नहीं, स्कूल बंद हो रहे हैं और बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही नारा दिया था नरेंद्र मोदी ने पानीपत से हरियाणा की, और स्थिति है कि न बेटी बची है और न पढ़ सकती है, क्यों? सरकारी ये स्थिति, हर कोई उतना महंगी पढ़ाई नहीं करा सकता, प्राइमरी स्कूल वो होते हैं और सब कुछ, कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं खोला है, तो इससे आप समझ सकते हैं, उल्टा जो डिग्री कॉलेजेस थे उनमें न टीचर्स की कमी है, दूसरी और कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर में और है, और कमीशन वाले सिर्फ काम। इसके बाद यूनिवर्सिटीज आती हैं, यूनिवर्सिटी में भी एक भी यूनिवर्सिटी नहीं खोली, कुछ नहीं किया, जो पुराना था उसी को इधर उधर कर रहे हैं और जो है उसमें आरएसएस के लोग भर रहे हैं और बाकी सब खाली पड़ा है, उसकी हालत खराब। मेडिकल कॉलेजेस थे, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, जो पुराने मेडिकल कॉलेज बने हुए थे उनमें 2 लाख रुपए फीस थी, अब 40 लाख कर दी। इसी तरीके से इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार के दौरान कई जो है राष्ट्रीय संस्थान आए थे, तमाम क्षेत्रों के आए थे, लेकिन इनके समय में एक भी नहीं आया और जो पुराने आए हैं उन्हें बर्बाद कर दिया है। एम्स से लेके सब कुछ मिला था हरियाणा को, आज सब बर्बाद। हरियाणा में हुड्डा सरकार के समय में पावर प्लांट लगे थे 5, आज स्थिति यह है वो पावर प्लांट बंद पड़े हैं और अदानी की बिजली खरीदी जाती, अदानी को मोदी जो है तमाम कंपनियां बेच देते हैं, और जो कंपनी पे सोचिए आप जिस तरीके से, मान लीजिए 100 रुपए की कंपनी है तो वो उन्हें 20 रुपए में बेच दी जाती है, और जो उस पर कर्ज होता है वो भी माफ हो जाता है, तो इस तरीके से बैंकों का भी मारा जाता है और भी मारा जाता है, यह एक सत्य है। बहरहाल इसके अलावा यदि आप देखेंगे एग्रीकल्चर को बर्बाद किया, एमएसपी पे जहां 200% तक तमाम हाइक देते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की सरकार, वो स्थिति ये है कि इन्होंने उसमें 35% 36% ऐसी हाइक दी, और स्थिति ये है कि जो किसान आगे बढ़ रहा था उसे पीछे ढकेल दिया, इतना ढकेल दिया कि आमदनी तो डबल नहीं हुई, खर्चे 4 गुना हुए। यह हाल है, भ्रष्टाचार चरम पर है, कहीं पे कहते थे ना खर्ची ना पर्ची, आज खर्ची पर्ची सब कुछ चल रहा है और उसके बिना कुछ नहीं होता।
इसके बाद आप देखिए कि जो रोजगार के लिए युवा बात करता था उस युवा का रोजगार छीन लिया, उसको बेरोजगार करके छोड़ दिया है। और हालत यह है कि हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है, जो देश के औसत 7.5% राउंड फिगर में कह रहा हूं जो है, उसके मुकाबले यहां 35% से अधिक। अब आप सोच लीजिए किस तरीके की हालत कर दी है। तो बेरोजगारी की स्थिति यह है। इसके बाद लड़कियों की सुरक्षा की बात कर लीजिए। बलात्कार के मामले में हिंदुस्तान में चौथे नंबर पर आ गया है। तो न बेटियां सुरक्षित, न शिक्षा सुरक्षित, न कारोबार सुरक्षित, न घर सुरक्षित, और जो MSME के थे वो सब बंद करते चले जा रहे हैं। हालत यह बर्बादी में आ गया है। तो इस बर्बादी की दास्ता लिखी है भाजपा ने, और जातियों को आपस में लड़ाया है, धर्मों को लड़ाया है। स्थिति ये हुई है, दलितों पे 96% अपराध बढ़ गए हैं भाजपा सरकार ने, 96%, 1-2%, 10% नहीं। तब आप सोचिए यह हालत है। चलिए जम्मू कश्मीर की स्थिति देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में भी 4,500 स्कूल बंद, 4,500 स्कूल बंद हो जाए, इसके बाद में 61% टीचर्स के पद खाली हो, और तमाम सरकारी नौकरियों में पद खाली हो, 65% पद खाली पड़े हुए, और ऐसी स्थिति में सारी चीज बर्बाद है, शिक्षा भी बर्बाद, सारी चीज बर्बाद, ना नौकरियां हैं। नौकरी की स्थिति यह है, जैसे कि मैंने बताया कि इतने पद खाली पड़े हुए हैं, नौकरी की स्थिति है, वहां 28% से अधिक बेरोजगारी की दर है, यहां 35% से अधिक, वहां 28% से अधिक, और जो वहां के कारोबार थे वो बर्बाद कर दिए, MSME सेक्टर बर्बाद कर दिया, जो वहां पर फल का बिजनेस था, सेब हो और दूसरे फल हो, जो कश्मीरी फल होते हैं, उन सब में अडानी अंबानी जैसे लोगों ने कब्जा कर लिया। फिर वहां इंडस्ट्रीज जो थी उन्हें बर्बाद किया, और जो इंडस्ट्रीज के लिए बसाने की बात करी उसके बूते अडानी अंबानी जैसे तमाम पूंजीपतियों को सब सौंप दिया। तो यह सारी चीजें, यही वजह कि आज सारे लोग नकार और सभी राहुल गांधी पर यकीन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं। राहुल गांधी ने विनेश फोगाट को कहा कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, तो खड़े हुए, बजरंग पुनिया के साथ खड़े हुए, और दिखाया हम किसानों की बात आई तो किसानों के लिए सबसे पहले पूरे देश में उनके लिए पंजाब से हरियाणा तक ट्रैक्टर चला करके और दिखाया। ये दिल्ली में संसद गए ट्रैक्टर चला के, यह भी उन्होंने दिखाया कि हम साथ, और सबसे पहली बार संसद के भवन के अंदर किसानों को बुला के कहा कि हम आपके साथ खड़े। सबसे पहले उन्होंने यह घोषणा की कि उनकी सरकार आई तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हूबहू लागू होगी, जो किसान चाहते हैं, और उससे भी ज्यादा किया जाए, यह कहा। बेरोजगार युवाओं के लिए भी उन्होंने पूरा विजन दिया और सारी चीज की, लड़कियों की सुरक्षा की भी बात की, और जातियों में जो भेद हुआ है, जिस तरीके से हक छीने गए हैं उसे देने के लिए जातिगत जनगणना से लेके सारी चीज कराने की बात उन्होंने कही। तो अब आप समझ लीजिए यह राहुल गांधी का विजन कि सर्वजन की बात करना, सिर्फ एक की नहीं लेकिन भाजपा नफरत फैलाती। तभी राहुल गांधी निरो अमेरिका गए, जब वो टेक्सास के एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो जनता उनके लिए वहां उमड़ पड़ती है। वो कोई प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी की तरह से अदानी अंबानी जैसे लोग उनकी सभाएं और इंडियन डायस्पोरा की मीटिंग नहीं अरेंज करते, लेकिन वहां जो है वो उनके लिए खुद उमड़ के आते हैं, तो यह बड़ी बात। और जैसे उमड़े लोग उनके स्वागत के लिए, उनकी आरती उतारी, तिलक किया, यह संदेश था कि वह व्यक्ति जननायक है और देश के सही मुद्दों को, सही बातों को उठा रहा है और सही लोगों के साथ खड़ा है। इसीलिए आज देश उस पर यकीन कर रहा है। तो वो न किसी से डरता है न किसी को डराता है।
तो मुझे जो धमकी देना चाहते हैं वो ये जान ले कि न मैं डरता हूं न किसी को डराता, तुम बोलोगे तो मैं पीछे भी नहीं रहूंगा, इसलिए क्योंकि मैं सच बोलता।